तो चलिए पब्लिक की खबर में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। नवा रायपुर के बसाहट में तेजी लाने के लिए जल्द ही नवा रायपुर के बीच रेल सेवा शुरू होने वाली है। नवंबर महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा की सौगात दे सकते हैं, जिससे रायपुर वासियों का सफर भी बेहद आसान हो सकेगा। रायपुर वासी कृपया ध्यान दें, रायपुर से नवा रायपुर की कम होगी दूरी। रायपुर टू नवा रायपुर दो मेमू ट्रेन को मंजूरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है और उनका सफर भी आसान होने वाला है, क्योंकि रायपुर से नवा रायपुर के बीच दो मेमू ट्रेन को हरी झंडी मिल गई है। रायपुर वासी कृपया ध्यान दें, नवंबर महीने में पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। रायपुर से नवा रायपुर दो मेमू ट्रेन को मंजूरी। 1 घंटे 10 मिनट में तय होगी 22 किलोमीटर की दूरी। नवा रायपुर का सीबीडी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार। उद्योग नगर समेत 3 स्टेशन मार्च तक बनकर होंगे तैयार। रेलवे की इस नई पहल को नवा रायपुर की बसाहट में तेजी लाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। रायपुर से नया रायपुर के बीच 1 नवंबर को लोकल ट्रेनें अब दौड़ने लगेंगी। देखिए ये सौगात जो है जल्द ही प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। और देखिए इस वक्त मैं इसी नया रायपुर के रेलवे स्टेशन सीबीडी रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए पूरी जो तैयारियां हैं वो उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार जो तैयारी है वो चल रही है, लेकिन देखिए पहली लाइन जो आपको बिस्ती नज़र आ रही होगी रायपुर से नया रायपुर के बीच में, वो लाइन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। और इसी में 1 नवंबर को जब प्रदेश का स्थापना दिवस होगा उस दिन दो लोकल ट्रेनों का सौगात जो है वो प्रदेश की जनता को मिलेगा। और जो लोगों में इस ट्रेन के परिचालन से शुरू होने से लोगों के पैसे और समय दोनों बचेंगे, क्योंकि लगातार अगर देखिए कोई व्यक्ति अगर अभनपुर दूसरे यातायात से जाता है, दूसरे सुविधाओं से जाता है, तो उसे शुल्क जो है वो अधिक पड़ता है, अगर 45 रुपये की बात करें। लेकिन इस ट्रेन से अगर जब वो इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, इस पूरे ट्रैक पे और अपने इसी ट्रेन के सहारे से जब वो अपने अभनपुर जाएगा तो उसका शुल्क जो होगा वो 10 रुपये होगा। तो किराया साफ तौर पर भार जो है आम नागरिक को कम पड़ता नजर आएगा। और ये पूरी सौगात जो है मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय जाने वाला एक बड़ा तबका BRTS का इस्तेमाल करता है। जब ट्रेन शुरू होगी तो महज 10 रुपए में सफर पूरा हो सकेगा। हालांकि ये सेवा कब शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। रायपुर से अभनपुर के बीच में जो कि हमारे नया रायपुर और CBD स्टेशन होते केंद्रीय होते हुए अभनपुर तक जाएगा। सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें हमें जिन चीज़ों को चेक करना है, एक बार उस सभी विषय में जैसे हमें सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं हमारे जो इंटरनल, उसके बाद इसको चलाया जाएगा। 50 किलोमीटर के अंदर में ही है और सामान्यतः 50 किलोमीटर, और ये चूँकि लोकल ट्रेन है तो 10 रुपये जो किराया है अप टू 50 किलोमीटर, तो सभी स्टेशन का किराया 10 रुपये ही रहेगा रायपुर से। हालांकि रेलवे ने मेमू ट्रेन चलाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बाकायदा दोनों मेमू ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी गई है। इस रूट पर ट्रेन सेवा शुरू हो जाने से 9 साल लंबा इंतजार खत्म होगा। साथ ही अभनपुर के आगे राजिम, धमतरी, कांकेर, रावघाट में रेल सेवा का विस्तार हो जाने से छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और मजबूत होगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस इंतज़ार जो होगा वो 1 नवंबर को होगा, जब यहाँ प्रदेश के लोग जो हैं इस स्टेशन पहुंचेंगे और अपने जितने गंतव्य की ओर हैं वो जाते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज़, रायपुर।